भीषण गर्मी के चलते प्रदेश भर में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते शाजापुर जिले के पोलायकलां में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें ऑटो पार्ट्स का सामान जलकर खाक हो गया। दरअसल आगजनी की घटना नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक के पास स्थित श्री रामा कृष्णा ऑटो पार्ट्स में लगी है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग में दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं इस आगजनी की घटना में करीब 18 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो वहीं हल्का पटवारी ओम प्रकाश पाटीदार भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आंकलन किया गया। शॉर्ट सर्किट के कारण 2 मिनट में काबू नहीं पाए आग पर, इसलिए देखते ही देखते मतलब सबने सहयोग करा, जब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। समथिंग कितना नुकसान हुआ? कम से कम 18 से 20 लाख रुपए नुकसान। इसमें टायर है, आयल है, पार्ट्स के ऑयल आयल सब महंगा महंगा पार्ट्स था। पुलाय कला से सोहन मरीठिया की रिपोर्ट।